चोरी ट्रेन टिकट। सिंगनूर नाम के गांव में पीयूष नाम का एक साहूकार रहता था। वो बहुत कंजूस और चालबाज था। वो ब्याज के लिए लोगों को बहुत परेशान करता रहता था। उसे सोना बहुत लुभाता था। वो अपने शरीर को सोने के आभूषणों से भरकर लोगों को दिखाता रहता था। एक दिन घर के पास आए सब्जी वाले को बातों में उलझा कर, ये कैसी सब्जियां हैं? सब सड़े हुए हैं। कैसी सब्जियां ये? एक भी सब्जी अच्छी नहीं है। छी छी कहकर अपने घर के सामने जमीन पर गिरा देता था। बाद में सब्जी वाले के जाने के बाद उन्हें उठाकर घर के अंदर ले जाता था। उसे अपनी पत्नी को देकर सब्जी बनाने को कहता था। लालच है, ये क्या हरकत है? अपने पास इतने पैसे हैं, पैसे देकर अच्छी सब्जी खरीद कर ला सकते हैं ना? तुम्हें क्या, तुम तो ऐसे ही कहोगी। पैसे कमाने वाला ही जानता है कितना मुश्किल है। ठीक है ठीक है, अब परसों शादी में जाना है, याद है ना? हाँ याद क्यों नहीं है। यात्रा करना हो तो तुम उस घटिया बोरी में बैठ जाते हो और मुझे आपको उठाकर ले जाना होता है। क्या किस्मत है। इसे कहते हैं एक टिकट में दो सवारी। अगर मैं अकेला टिकट ना लूं तो कौन सा रेलवे का नुकसान हो जाएगा? ऊपर से बिना सोना पहने मुझे बाहर जाना अच्छा ही नहीं लगता। इसीलिए बोरी में सुरक्षित होगा, शादी वाले घर में सब मेरे आभूषण देखकर जलेंगे। यूं वो बेचारी उसे बोरी में डालकर रेलवे स्टेशन ले जाने लगी। एक ऑटो वाला उसके पास आकर, क्यों बहन जी इतना बोझ क्यों उठा कर ले जा रहे हो? आइए बैठिए, कहाँ जाना है? बोरी में बंद पीयूष। अरे ऑटो वाटो कुछ नहीं चाहिए, चलो जाओ यहाँ से कमीने। ये क्या बहन जी, आपकी आवाज ऐसी कैसे, मर्द की तरह? ऑटो में बैठना ना हो तो कमीना क्यों कहते हो? वो जुकाम हुआ है इसीलिए तुम्हें ऐसा सुनाई दिया होगा। ऑटो में बैठ कर जाना मेरी किस्मत में नहीं है भैया, कहकर जाने लगी। बाद में रेलवे स्टेशन पर काउंटर में एक ही टिकट खरीदा, फिर बोरी को प्लेटफॉर्म में उतार कर ट्रेन की प्रतीक्षा करने लगी। इतने में एक कुत्ता आकर बोरी को सूंघने लगा। बोरी में बैठा पीयूष उसे देखकर जा यहां से कहकर फुसफुसाने लगा। यह सुनकर कुत्ते को शक हुआ और वो जोर जोर से भौंकने लगा। बाद में अपना पैर उठाकर मूंद कर चला गया। बाद में वो बोरी को अपने साथ लेकर जाने लगी। टीसी आया, टिकट चेक करके चला गया। तभी एक यात्री वहां आया और, क्यों बहन जी बोरी को सीट पर क्यों रखा है, हम कहां बैठे? उसे उतार कर पैर के पास रखो। इस बोरी को नीचे नहीं रखना चाहिए, इसे सीट पर ही रहना होगा। क्यों, कह रहा हूँ ना तो समझ में नहीं आता, ये कोई खास बोरी है क्या? कहकर उस बोरी को उसने लात मारा। बस वो बोरी लुढ़कते हुए नीचे गिरी और लुढ़कते हुए जाने लगी। वो उठकर बोरी के पीछे भागने लगी। ये देखकर पास में बैठे दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति, क्यों भाई औरतों से ऐसे बर्ताव करते हो? वो कह रही है ना कि वो बोरी खास है, उसे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे बहन जी हम खड़े हो जाते हैं, तुम आकर उस बोरी को साथ में रखो और बैठ जाओ यहाँ, कहकर वे दोनों उठ गए। यूं वो आकर उस बोरी के साथ वहाँ जाकर बैठी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो उठकर, देखने में आप दोनों बहुत भले दिखते हैं भैया, मैं जरा वॉशरूम जाकर आती हूँ, जरा इस बोरी का ख्याल रखना। ठीक है बहन जी आप जाइए। यूं उसके जाते ही वे दोनों बोरी उठाकर वहां से भाग गए। बाद में एक स्टेशन में उतरे, लौट कर आकर जब बोरी नहीं दिखी तो वो चिंतित हो गई। चोर बोरी के साथ घोड़े पर जाने लगे। यूं काफी दूर जाने के बाद एक जंगल में पहुंचे, उस बोरी को उतार कर, अरे ये कोई छोटी मोटी चोरी के लिए गए थे हम लोग, पर अपनी किस्मत अच्छी है इसीलिए ये बोरी हाथ लगी। दूसरा, हाँ यार वो इसको इतने ध्यान से संभाल रही थी कि इसका मतलब ये है कि इसमें जरूर कुछ खास है। तब पीयूष सिर्फ मुंडी निकाल कर, भैया इस बोरी में मैं हूँ, टिकट खरीदने में कंजूसी करके यूं बोरी में छिप कर यात्रा कर रहा था, आप लोग जाओ मैं भी अपने घर जाता हूँ। क्यों रे नीच कमीने, हमारा टाइम खराब किया, ऊपर से हमें जाने को कह रहे हो, वैसे सिर्फ मुंडी निकाल कर क्यों बात कर रहे हो? उठो खड़े हो जाओ,
नहीं तो मरोगे। बेचारा पीयूष लाचार होकर उठकर खड़ा हो गया। उसके पूरे शरीर को सोने में लगा देखकर चोर दंग रह गए। वाह क्या किस्मत है, लगता है कि ये खास हमारे लिए आया हुआ चलता फिरता जेवर की दुकान है। सुन चुपचाप सब कुछ उतारो नहीं तो मार डालेंगे, कहकर उसे डराया। इस तरह उसने अपने सारे जेवर उतारे और उन्हें दे दिया। वे दोनों वहां से चले गए। इसके बाद उसने गांव में जेवर पहनकर घूमना बंद कर दिया। जहां भी जाता टिकट खरीद कर ही जाता था।